नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 का थर्ड चैप्टर द ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट शुरू किया था, जिसके अंतर्गत दो पार्ट द मार्टियर्स एंड द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट पढ़ा था। आज हम थर्ड पार्ट ब्रिटिश रूल 1765 to 1836 शुरू करेंगे, अर्थात 1765 से लेकर के 1836 तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई वो हम इस भाग में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस लीडर्स अर्थात जो धर्म उपदेशक थे, धार्मिक गुरु थे, उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। तो उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, अर्थात वो अपने उपदेशों में छुआछूत और बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को प्रोत्साहन देने लगे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। एनीवन हु क्रॉस द सी, जो भी समुद्र को पार करेगा वो अपना धर्म खो देगा। एक गुरुजी बैठे हैं और वो उपदेश दे रहे हैं कि जो भी समुद्र के पार जाएगा या समुद्र को पार करेगा वो अपना धर्म है वो खो देगा। इस प्रकार से वो तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं वो फैलाने लगे। दूसरे महानुभाव कह रहे हैं ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन, अर्थात संसार में जो कुछ भी मिजरी दुख हैं वो सब महिलाओं के कारण हैं, ऐसा इनका मानना है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न धर्म उपदेशक भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवचन दे करके लोगों को गुमराह करने लगे। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। सच्चाई ये थी कि जो भारतीय लोग हैं वो अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, और जो ब्रिटिश लोग थे वो उनको स्कॉर्न करने लगे। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कृत करना, अर्थात ब्रिटिशवासी भारतीयों को तिरस्कृत करने लगे, उनका अपमान करने लगे। अब एक ब्रिटिश व्यक्ति है वो बोल रहा है द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, अनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो यहाँ के देशवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो अयोग्य है। अनवर्ति का मतलब होता है अयोग्य, वो सच के ट्रस्ट के विश्वास के अयोग्य है, यानी उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल और ऑनेस्टी, और ईमानदारी रखने लायक नहीं है। तभी एक भारतीय बोल रहा है ट्रू योर ऑनर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान जी, बट आई एम ऑनेस्ट। वो कह रहा है आप सही कह रहे हैं, भारतीय लोग हैं वो ऑनेस्टी के योग्य नहीं है, ईमानदारी के योग्य नहीं है, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। Being the merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. व्यापारी होने के नाते British wanted quick profit. जो British लोग थे वो ज़्यादा जल्दी से profit कमाना चाहते थे, जल्दी से मुनाफा कमाना चाहते थे। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. और उनके जो भारी टैक्स लगाए, उन्होंने जो कर लगाए, उसने जो किसान थे उनको अपनी ज़मीन त्यागने पर, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, अपनी ज़मीन त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब एक किसान कह रहा है कि आपके व्यक्तियों ने, आपके जो आदमी आए थे उन्होंने मेरी सारी फसल ले ली। तो उसके रिप्लाई में अंग्रेज़ अधिकारी कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी एरियर्स में हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर अभी भी बकाया है। एरियर्स का मतलब होता है बकाया। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, और यदि तुम अगले सप्ताह तक पे नहीं करोगे, उसे नहीं चुकाओगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इस प्रकार से उन लोगों से भारी टैक्स लगा करके सब उनकी सारी फसलें हैं उनको जब्त कर लिया जाता था। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। फिर भी ब्रिटिश लोगों ने
दूसरी विधियाँ इन्वेंट की, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, खोजना। उन्होंने नए नए तरीके खोजे जो उनको और अधिक प्रॉफिट देने लगे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है निर्मित, अर्थात जब इंग्लैंड में निर्मित सामान जब भारत में इम्पोर्ट किया जाएगा, भारत में आयात किया जाएगा, तो उन पर किसी प्रकार का आयात कर है वो नहीं लगाया जाएगा। इसके समर्थन में एक व्यक्ति कह रहा है, ओह गुड आइडिया, ये तो अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून थे, उन्होंने भारतीय उद्योगों को क्रिपल करना, क्रिपल का मतलब होता है अपाहिज करना, भारतीय उद्योगों को अपाहिज करना शुरू कर दिया। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलो बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। इनएविटेबली फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, निरंतर अकाल पड़ते गए बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, अर्थात भूख की वजह से लगभग 15 लाख भारतीय लोग हैं वो मारे गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड दियर बिजनेस। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर, तो जो एक्सपर्ट कारीगर थे हमारे देश के, उनको और उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को ब्रिटेन की नीतियों ने बर्बाद कर दिया। रुइन का मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। फोर्थ पार्ट है राम मोहन राय 1772-1833। राम मोहन राय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन राय जो बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे, शिक्षित व्यक्ति थे, वो समझ गए कि देश के साथ में क्या गलत हो रहा है या देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्व्स, अवर एंशंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइनिंग अस। तो उनके विचार है, लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्व्स, हमें अपने आप को डिस्पाइज अर्थात तिरस्कृत नहीं करने देना चाहिए। और एंसेंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो एंसेंट, एंसेंट अर्थात प्राचीन, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम और अधिक महान उपलब्धियां हासिल करने के कैपेबल हैं, योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, लेकिन सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। सुपरस्टिशन हैव बीन रुइनिंग अस, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, जो अंधविश्वास हैं वो हमारे समाज को रुइन कर रहा है, नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राम मोहन राय अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम। जो गायें होती है वो भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, लेकिन उनके दूध का रंग है वो सेम होता है, समान होता है। उसी प्रकार से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, भिन्न भिन्न गुरु हैं, उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, लेकिन सभी धर्मों का या सभी शिक्षाओं का जो सार है वो सेम है, वो एक ही है, अर्थात भिन्न भिन्न उपदेशों का सार वो जो है वो एक ही निकलता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राम मोहन राय हैं वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से काफ़ी अट्रैक्टेड हुए, काफ़ी आकर्षित हुए। उनका मानना था नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान है वो प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अर्थात अंधविश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द
सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823। और राजा राम मोहन राय ने एक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, लेकिन जो संदेहजनक ब्रिटिश वासी थे उनको शक हो गया और उन्होंने 1823 में उसको बंद करवा दिया, उनको रोक दिया। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम। उन्होंने समुद्र पार करके इंग्लैंड गए और ये देखा व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि कौन सी चीज़ है, कौन सी शक्ति हैं जो ब्रिटेन वासियों को शक्तिशाली बना रही हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट। हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो उत्तरदायित्व होता है, जो कर्तव्य होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के विचार पढ़े। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।